की एक बड़ी खबर आपको बता दें, जो कि बेहद शर्मसार घटना इस वक्त की एक सामने आई है। 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुराचार करने के बाद उसकी हत्या करने वाले सगे ताऊ और उसके दोस्त को अयोध्या पुलिस ने गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया है। ये सनसनीखेज वारदात पिछले 22 नवम्बर को थाना पटरंगा क्षेत्र में घटी थी। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आपको बता दें कि थाना पटरंगा पुलिस को पिछले दिनों एक शिकायत मिली थी, जिसमें परिजनों ने 6 साल की मासूम बच्ची की गायब होने की सूचना दी, जिसे पुलिस ने गंभीरता से लिया था और मामले की छानबीन में जुटी थी। 30 नवंबर को गांव के ही तालाब में बोरे के अंदर से शव बरामद हुआ था, जिसकी शिनाख्त उसी गुमशुदा बच्ची के रूप में हुई थी और बाद में पुलिस द्वारा पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पूरे मामले की गहनता से जांच में जुट गई थी। काफी प्रयास के बाद थाना पटरंगा पुलिस व स्वाट टीम की मेहनत रंग लाई और मासूम की हत्या का जो खुलासा पुलिस ने किया वो दिल दहला देने वाला और खूनी रिश्तों को तार तार करने वाला रहा। इस मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी शैलेश पांडे ने बताया कि 6 वर्ष की नन्ही बच्ची घर के सामने खेलते हुए गायब हो गई थी और उसके सगे ताऊ सुरेंद्र रावत अपने दोस्त बबलू उर्फ करम सिंह के साथ उठा ले गया और दुष्कर्म करने के बाद मासूम का मुंह दबाकर उसकी हत्या कर शव को गन्ने के खेत में छुपा दिया और 2-3 दिन बाद शव को बोरे में डालकर तालाब में फेंक दिया। एसएसपी शैलेश पांडे ने पुलिस टीम के सफल अनावरण के लिए बधाई और कहा कि जल्द से जल्द इस मामले में कोर्ट से चार्जशीट दाखिल कर दोनों ही आरोपियों को जल्द ही सजा दिलाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल सगे ताऊ ने अपने दोस्त के साथ मिलकर मासूम के साथ मुकाला करने के बाद उसकी हत्या कर दी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल केपीपीएन न्यूज को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। 20 नवंबर को शाम में थाना पटरंगा क्षेत्र में अपने गांव से एक बच्ची गायब हो जाती है। देर तक बच्ची के घर न आने पर परिजनों को शंका होता है कि वो कहीं गायब हो गई है। इसके बाद उन्होंने देर रात्रि उसे सूचना दी। तत्काल पुलिस ने मामले में अभियोग पंजीकृत किया और तुरंत जो गुमशुदा बच्ची थी उसकी तलाश जारी कर दी। 30 तारीख को गांव के ही एक तालाब में बोरे में बंद एक डेड बॉडी मिली। जब उसको निकाला गया तो परिजनों द्वारा उसकी शिनाख्त की गई, जो कि गायब जो बच्ची थी उसी की डेड बॉडी थी। तत्काल उसका बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के उपरांत जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसके आधार पर अभियोग को तर्मीन किया गया सुसंगत धाराओं में और इसके अनावरण के लिए एसपीआरए के नेतृत्व में थाना पटरंगा और क्राइम ब्रांच की पूरी टीम इसमें लगी और टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए इसका शीघ्र अनावरण किया और इसमें 2 अभियुक्त जो शामिल थे उन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक अभियुक्त उस बच्ची का सगा ताऊ है और दूसरा उसका मित्र है। इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। हत्या के पीछे के मोटिव जो है वो इन अपराधियों की पूछताछ तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिन इंजरीज आई हैं उस इंजरीज को देखने अवलोकन करने के उपरांत और इनसे पूछताछ में जो सामने आई है मामला वो आया है कि उस बच्ची को सेक्सुअल ऑफेंस कारित करने के उद्देश्य से प्रलोभित करके कमरे में ले जाया गया था और उसके बाद वहाँ उसके साथ घटना कारित की गई थी। दोनों अभियुक्तों को जैसा मैंने बताया गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। जल्दी विवेचना को संपादित कराते हुए माननीय न्यायालय में इसकी प्रभावी पैरवी करके दोनों अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए पुलिस पूरी तरह से कटिबद्ध है।